हेलो पीपल, मैं हूँ शैन मॉक एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। तो गाइस, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप सर्बिया जाते हैं या अल्बेनिया जाते हैं तो वहाँ से कौन सी कंट्री आपको जानी चाहिए या कौन सी कंट्री आपको ऐड करनी चाहिए अपने ट्रैवल हिस्ट्री के लिए अगर आप अल्बेनिया या सर्बिया में होते हो, यानी कि ईस्टर्न यूरोप में होते हो। जी हाँ गाइस, इस कंट्री का नाम है मॉन्टीनेग्रो। जी हाँ गाइस, इस कंट्री को मैंने इसलिए आपके लिए रिकमेंड किया है क्योंकि यहाँ पे वीज़ा लेना बहुत ही आसान है। जी हाँ गाइस, अगर आप सर्बिया में हैं या फॉर एग्जांपल आप अल्बेनिया में हैं, जो कि वीज़ा फ्री है इस वक्त इंडियंस के लिए और 31 दिसंबर 2021 तक सर्बिया में जाते हैं, तो आपको मॉन्टीनेग्रो वहाँ से जाना चाहिए। अब आप कहेंगे कि वीज़ा कैसे अप्लाई करें, तो गाइस मैंने ये कंट्री मॉन्टीनेग्रो इसीलिए रिकमेंड किया क्योंकि इसके वीज़ा के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स बहुत कम है। तो चलिए पहले डॉक्यूमेंट्स बता दूं। एक आपकी फोटोग्राफ, एक पासपोर्ट कॉपी, लास्ट 3 मंथ्स बैंक स्टेटमेंट, होटल बुकिंग जो कि आप booking.com से फ्री में बुक कर सकते हैं और उसकी ईमेल कंफर्मेशन निकाल सकते हैं, बस। और कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं लगेंगे। अब गाइस, इसकी जो फीस है वो है सिर्फ 3,000 Indian rupees और ये आपको 3 to 5 working days में मिल जाएगा। अब गाइस, अगर आप यही वीज़ा मॉन्टीनेग्रो का वीज़ा इंडिया से अप्लाई करेंगे तो बहुत ही हैसल हो जाएगा, बहुत ही तकलीफ़ हो जाएगी और चांसेस कम है अप्रूवल के। बट अगर आप अल्बेनिया या सर्बिया में घूमने जाते हैं और वहाँ से अप्लाई करते हैं तो आई कैन गारंटी गाइस, आपको 3 to 5 working days में वीज़ा डायरेक्टली आपको मिल जाएगा। अब एक बात याद रखना, मॉन्टीनेग्रो आपको वीज़ा देता है सिर्फ उतने ही दिनों का जितना आपने अप्लाई किया है अपने एप्लीकेशन में। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप उनसे कहते हैं कि मुझे 10th ऑफ पर्टिकुलर मंथ से लेके 20th ऑफ दिस मंथ का वीज़ा चाहिए, तो आपको वो उतना ही वीज़ा देंगे। तो वो स्पेसिफिक, जैसा रशिया के लिए होता है कि आपने जितने दिनों के लिए वीज़ा अप्लाई किया है वो डेट के हिसाब से आपके वीज़ा पे मेंशन करते हैं, उसी तरह मॉन्टीनेग्रो आपको उतने दिनों का ही वीज़ा देता है। तो गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी क्योंकि बहुत लोग सर्बिया घूमने जाते हैं, वहाँ से मुझे टेक्स्ट करते हैं, या अल्बेनिया जाते हैं या दुबई में होते हैं तो मुझसे पूछते हैं, सर आप अपने ट्रैवल आइटनरी में कौन सी और कंट्री ऐड करिए या ट्रैवल हिस्ट्री के लिए कहाँ जाए। तो गाइस, ये बेस्ट ऑप्शन है अगर आप सर्बिया या अल्बेनिया जाते हैं, अगर आप नियर फ्यूचर में जाएंगे तो वहाँ से मॉन्टीनेग्रो का वीज़ा अप्लाई कर देना। कोई इशू होगा तो मुझे डायरेक्टली टेक्स्ट या मैसेज कीजिए, मैं आपकी मदद कर दूंगा। और एक बार आपको वीज़ा मिल गया तो मॉन्टीनेग्रो कंट्री बहुत ब्यूटीफुल है गाइस, वो भी जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए गाइस, इस वीडियो में इतना ही, मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। एंड प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लिया और वीडियो को लाइक कर देना क्योंकि आने वाले वीडियोस में मैं पोर्चुगल के फैमिली वीज़ा, पोर्चुगल के टूरिस्ट वीज़ा के बारे में बताने वाला हूँ, इटली के वीज़ा अपडेट्स के बारे में बताने वाला हूँ और गाइस शेंगेन वीज़ा रिफ्यूज़ल रेट, सक्सेस रेट, जो मेरे काफ़ी सारे क्लाइंट्स का अभी हाल ही में अप्रूव हुआ है वीज़ा, उसका हम केस स्टडी डिस्कस करेंगे। तो चलिए गाइस, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।